साइंस के श्रृंखला को जारी रखते हुए मैं छठवां पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने 5 पार्ट करा रखा है जिसमें मैंने 120 प्रश्नों का डिस्कस कराया है। आज 30 प्रश्न का डिस्कस होगा 121 से आगे। सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% आएंगे, तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि 121वां प्रश्न है, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, गंगा सफाई योजना जो है वह 1985 में प्रारंभ किया गया था। ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1985। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि यदि आपको न्यूमेरिकल पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया। ठीक है, तो हमें लगता है शायद आप लोगों को न्यूमेरिकल का ज़रूरत नहीं है, है ना? यदि ज़रूरत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम जल्द से जल्द न्यूमेरिकल का वीडियो आप लोगों के लिए लाएँ। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या क्या दे दिया गया है यहाँ पर? हमें टाइम दे दिया गया है 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। 1 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना सेकेंड होगा? 60 सेकेंड। ठीक है, और हमारा चार्ज क्या दे दिया गया है? चार्ज दिया गया है 120 कूलम्ब। पूछा क्या गया है? धारा, यानी आई इज़ इक्वल टू व्हाट? तो आप लोग जानते हैं कि आई इज़ इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है, होता है ना? क्या होता है? आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है? 120। ठीक है, और टाइम यानी टी का वैल्यू कितना दिया गया है? 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। लेकिन ध्यान में रखना है यहाँ पर विद्युत धारा का मान पूछा गया, तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में, ना? तो 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने वर्ण विक्षेपण पढ़ा होगा जिसमें 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है वर्ण विक्षेपण के बाद। तो उसे प्राप्त करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सूचित किससे किया जाता है? तो सूचित किया जाता है ओमेगा से। किससे? ओमेगा से। और इसका साइन क्या होता है ओमेगा का? कुछ ऐसा साइन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें एम्पियर किसका होता है एसआई मात्रक, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का। ठीक है, किलो वाट घंटा क्या हो जाएगा? व्यावसायिक ऊर्जा का, और वोल्ट हो जाएगा विभवांतर और विभव दोनों का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो देखिए, परिपथ में विद्युत धारा जो मापी जाती है वह एमीटर के द्वारा मापी जाती है। कोई भी चालक तार है, इससे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो इसका मेजरमेंट करने के लिए एक उपकरण का यूज किया जाता है और उसका नाम क्या है? एमीटर। वोल्टमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है, है ना? क्या मापा जाता है वोल्टमीटर के द्वारा? विभवांतर मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी मापा जाता है, रक्तचाप, और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। याद रखना है, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो एमीटर से। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीला तूतिया, हरा तूतिया और सफ़ेद तूतिया का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो नीला तूतिया का होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, हरा तूतिया का होता है फेरस सल्फेट और सफ़ेद तूतिया का होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये किसका हो गया? नीला तूतिया का, जिसको हम लोग नीला थोथा भी बोलते हैं। जिंक सल्फेट किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सफ़ेद तूतिया, ठीक है, या सफ़ेद थोथा का। और फेरस सल्फेट किसका हो जाएगा? आपका हरा तूतिया, है ना, या हरा थोथा का। याद रखेंगे, तीनों इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन देने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आप ऑल कर लेंगे। ऑल कर लेने के बाद यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ठीक है, यानी क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वह किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वह हरा रंग का होता है। ठीक है, पौधे में पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक,
और इसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, और इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफिल का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ग्रेना भाग में होता है। यूरो टू का संबंध किससे है, देखिए यूरो टू जो है वह एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। क्या है, वायु प्रदूषक है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है, तो देखिए ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या कहा गया है कि यदि चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए और उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो चालक के दोनों सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह क्या होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर भौतिक अवस्था के बारे में बात किया जाता है, खास करके टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में किसी भी प्रकार की चेंजिंग ना करें तब हो जाएगा क्या, विद्युत धारा और विभवांतर समानुपाती होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप। आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है, तो देखिए आकाश का रंग नीला जो होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो देखिए बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। लोहा का क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट या आयरन पायरेट। ठीक है, मैग्नेटाइट या आयरन पायरेट। पारा का क्या हो जाएगा, सिनेबार हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कहा गया है बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। बॉक्साइट किस धातु, बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो देखिए मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी सबसे पहला प्रयोग किया था और इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना था। कौन सा पौधा, मटर का पौधा चुना था। इन्होंने दो प्रकार का प्रयोग किया था, एक संकर संकरण और द्विगुण संकरण। एक संकर संकरण का पूछा जाता है फीनोटाइप रेशियो। ठीक है, तो एक संकरण संकरण का फीनोटाइप अगर रेशियो पूछता है तो याद रखिएगा फीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। और जीनोटाइप पूछता है तो 1:2:1। ठीक है, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मटर। कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए उत्तरदायी होता है, देखिए अगर हम पृथ्वी के वायुमंडलों की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर चार लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो क्षोभ मंडल, ठीक है, उसके बाद समताप मंडल, आयन मंडल और ऊपर चला गया तो बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये जो हमारा ओजोन स्तर है ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, और समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, है ना। तो ओजोन लेयर में क्या होता जा रहा है, कमी होती जा रही है, अपक्षय होता जा रहा है। कारण क्या है इसका, तो हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के उपकरण, उससे निकलने वाला एफसी गैस, सीएफसी गैस या फिर फ्रेयॉन गैस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सीएफसी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एफसी और फ्रेयॉन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन तीनों इसके ओजोन अपक्षय के लिए उत्तरदायी होता है। सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, आप इसको रटना नहीं है, इसको डिराइव कर लेनी है। ठीक है, देखिए 1 किलोवाट घंटा की बात करेंगे तो घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है ना। और यहाँ पर क्या कहा गया है, 1 किलोवाट घंटा, तो किलो का वैल्यू कितना होता है, 1000 होता है ना, तो 3600 को 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 36 × 10^1, 2, 3, 4, 5 कितना हो जाएगा, 10^6। तो 36 × 10^5 किसी भी ऑप्शन में है, जी हाँ इस ऑप्शन में 36 × 10^5। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट ये भी हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे, तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। देखिए अगर हम इसमें 10 से गुना कर दें और 10 से भाग कर दें तो क्या जाएगा, 3.6 × 10^5 और ये 1 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए भी होगा और सी भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती है वह सारा का सारा क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल को वायुयान उड़ने का आदर्श केंद्र माना जाता है और बेतार संचार जो होता है वह आयन मंडल से संपादित होता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा था डार्विन ने, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, यह भी याद रखिएगा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा मीन्स एसी करंट। तो एसी करंट जो होता है वह किससे? जनरेटर से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मोटर किसी भी प्रकार की एनर्जी को प्रोड्यूस खुद से नहीं करता है, ये करंट यानी कि विद्युत धारा को कौन से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हालांकि बैटरी से जो एनर्जी निकलती है वह एसी ना रह के क्या होता है? डीसी होता है। ठीक है, यानी दिष्ट धारा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर से प्राप्त होता है यानी कि जनित्र से। ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है? तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था, किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा, है ना, और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापता है। और पूछ लेगा कि स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है? तो याद रखिएगा 120/80 mmHg। ठीक है, यानी मिलीमीटर पारे का दाब। 120 हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 क्या हो जाता है? डायस्टोलिक प्रेशर। आनुवंशिकी का पिता किसे माना जाता है? तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जेनेटिक्स से संबंधित जो स्टडी है सबसे पहले किसने किया था? मेंडल ने किया था। ठीक है, कौन से पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। इसीलिए मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक, यानी कि जेनेटिक्स का जनक। कभी कभी आपसे जेनेटिक्स भी दे लेगा तो ये भी टर्म याद रखिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। विद्युत धारा किस में मापा जाता है? देखिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज करेंगे और गलती आंसर करेंगे। विद्युत धारा जो होता है किस में मापा जाता है, क्वेश्चन ये कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि किस से मापा जाता है। तो विद्युत धारा जो है मापा जाता है किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है, लेकिन मापा किस से जाता है? एमीटर से। ठीक है, हमारे घरों में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है मापने का जो उपकरण है वह है एमीटर। मापा किस में जाता है? एम्पियर में। तब तो कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी को लिखा जाता है तो एक्स एम्पियर लिखा जाता है ना, एम्पियर में मापा जाता है, याद रखेंगे। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, शुक्राणु जो है यह मेल गैमेट है। क्या है? मेल गैमेट है शुक्राणु, और इसका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस बोला जाता है। टेस्टिस में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन नलिका भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि निषेचन जो होता है वह कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निषेचन तो फैलोपियन नलिका, और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि विद्युत मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को लेकर के यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है? तो देखिए, बिजली की घंटी की अगर बात करें तो बिजली की घंटी जो होती है यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, और हमारे घरों में जो आयरन का प्रयोग किया जाता है, हीटर का प्रयोग किया जाता है, वह कौन से प्रभाव पर? उष्मीय प्रभाव पर कार्य किया जाता है, है ना। कौन से प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्या क्या? तो हमारे घरों में जो हीटर का प्रयोग किया जाता है या फिर आयरन का प्रयोग किया जाता है, यानी यूँ समझ लीजिए कि जितने भी हीट वाले कंपोनेंट होते हैं जो कि बिजली से चलते हैं, तो वो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। और उसमें हीटिंग एलिमेंट के रूप में क्या लगाया जाता है? नाइक्रोम लगाया जाता है, है ना। क्वेश्चन में कहा गया था बिजली की घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। सोने की शुद्धता के मापन किस रूप में की जाती है? तो देखिए, सोने की शुद्धता का जो मापन होता है वह कैरेट में करी जाती है। ठीक है, और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और हमारे घरों में जो आभूषण बनाए जाते हैं या सोनार जो आभूषण बनाता है उसमें 22 कैरेट सोना होता है। ठीक है, और बाकी जो बचा भाग होता है उसमें तांबा का प्रयोग करा जाता है। अगला है, चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, न जाने कितना बार ये एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। तो चाकू की सहायता से हम सोडियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, है ना। क्या क्या? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, तीनों को काट सकते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा हमेशा और हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैंने समतल दर्पण का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, फिजिक्स का प्लेलिस्ट है ना, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो देखिए, मानव नेत्र जो होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है ना, उत्तल लेंस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारा जो ह्यूमन आई होता है उसमें, और इसके द्वारा जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके रेटिना पर डाला जाता है, और रेटिना पर इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आँख में रेटिना का आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा, रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क को इसको सीधा करने की, देखने की क्षमता होती है। क्वेश्चन कहा गया, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आज का आखिरी प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो देखिए, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कराया था। मान लीजिए आपको किसी को पसंद करना है, तो आप कैसे लोगों को पसंद करोगे या फंसाओगे? तो हम अक्सर VIP लोगों को फंसाना पसंद करते हैं, है ना, VIP लोगों को फंसाना पसंद करते हैं। तो V4 क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। आई को साइलेंट रखेंगे। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी कि समानांतर, ठीक है। और फ्यूज़ और एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? सीरीज़ में जोड़ा जाता है, यानी श्रेणी क्रम में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, VIP लोगों को फंसाना, क्या है? VIP लोगों को फंसाना। F4 फ्यूज़, F4 एमीटर, दोनों को किस क्रम में? सीरीज़ में, यानी श्रेणी क्रम में। VIP यानी कि वोल्ट मीटर को किस में? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो फर्श, यानी कि A4 एमीटर, तो एमीटर को सीरीज़ में जोड़ा जाता है, यानी कि A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, और वीडियो पर तो व्यूज़ क्या कहें आपका, बहुत ही कम जाता है, ठीक है ना। तो कम से कम उन सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए, उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दीजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, है ना। साइंस से अच्छा मार्क्स लाने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पर इसी चैनल पर आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाया करूँगा, ठीक है। और सोच रहा हूँ कुछ दिन के बाद आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड करूँ, ठीक है। तो यदि आप लोगों का सपोर्ट आता है बेहतरीन, तो फिर हम आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू बेहतरीन तरीके से रखेंगे, और सभी सब्जेक्ट का अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, ठीक है दोस्त। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी आशा के साथ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।